नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं और तीनों चरणों के संपन्न होने के बाद हमारे हाथ आया है एग्जिट पोल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हमारे सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार के एग्जिट पोल में अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव आगे निकलते देख रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, एग्जिट पोल के अनुमान लगाए जा रहे हैं और अनुमान लगाकर हम कह रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से कि तेजस्वी यादव को लोग ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। अब सरकार किसकी बनती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो आने वाला 10 नवंबर ही बताएगा। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बताया जाए तो तेजस्वी यादव को ज्यादा ही चर्चा में है फिलहाल। अब हम आपको एग्जिट पोल बताते हैं। हमारे पास अधिकांश सर्वे जो रिपोर्ट हमारे हाथ लगे हैं उन सब के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी को तकरीबन कितनी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टुडे, एनडीए को 69 से 91, महागठबंधन को 139 से 161, एलजेपी को 3 से 5, तो वहीं अन्य को 0। अब बात करें अगर एबीपी की तो एबीपी के अनुमान के हिसाब से एनडीए को 104 से 128, महागठबंधन को 108 से 131, लोजपा को 1 से 3, तो वहीं अन्य को 4 से 8 सीटें। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के अनुसार एनडीए को 116, महागठबंधन को 120, लोजपा को 1, तो अन्य को 6। अब बात करें एनडीटीवी की, एनडीटीवी के हिसाब से एनडीए को 110, महागठबंधन 124, तो लोजपा को 4, तो वहीं अन्य को 5। रिपब्लिक, एनडीए को 91 से 117, महागठबंधन 138 118, लोजपा को 8 से 5, तो अन्य 6 से 3। टुडेज चाणक्य, टुडेज चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 55 सीटें, महागठबंधन 180 और अन्य को 8। तो ये कुछ एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं और इनके अधिकांश रिपोर्ट के अधिकांश सर्वे के हिसाब से कुछ इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर इसको देखा जाए, इस एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम जाएं और अगर अनुमान लगाया जाए तो बिहार में महागठबंधन की लहर है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे जाएगा, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी बिहार में सरकार और किसकी बहेगी बिहार में बयार, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।